जी देखिए, हर 100 प्रेगनेंसीज का जब सोनोग्राफी होता है तो उसमें से तीन से पाँच प्रेगनेंसीज में ऐसे बच्चे सोनोग्राफी में दिखते हैं जिनको कोई ना कोई जन्मजात बीमारी है। और ऐसी बीमारियों के लिए एक काउंसलिंग सेशन होता है जिसके लिए प्रेग्नेंट लेडीज़ को हमारे पास भेजा जाता है, उसको कहते हैं प्रीनेटल काउंसलिंग। तो जो मतलब मदर्स हैं जिनके सोनोग्राफी में कोई एबनॉर्मेलिटी है, वो एक पीडियाट्रिक सर्जन को अपने गायनेकोलॉजिस्ट के एडवाइस पे या वैसे भी वो आपको या किसी भी पीडियाट्रिक सर्जन को अप्रोच कर सकते हैं। जी सर, किस तरह का कॉमन प्रॉब्लम देखा जाता है ऐसा? सबसे कॉमन बीमारियां होती है यूरोलॉजी की, मतलब किडनी में थोड़ा सा सूजन रहता है किसी बच्चे को पेशाब की नली में प्रॉब्लम रहती है। अलग अलग तरह की हर किस्म की बीमारियां जो है वो एंटीनेटल स्कैन सोनोग्राफी जो होता है उस पर आजकल डिटेक्ट किया जा सकता है। लेकिन मैं ये बताऊं आपको कि एंटीनेटल स्कैन, ये स्कैन से डरने की चीज़ नहीं है। ये एंटीनेटल स्कैन से हमको बीमारी का पहले से पता चल जाता है मतलब जिस हम प्रोग्नोसिस कर पाते हैं कि ये बच्चा जी कैसा आगे चल के करेगा, जी और पेरेंट्स शायद मानसिक रूप से तैयार भी हो पाते होंगे कि आगे उनको किस तरह जी का। सर, क्या ऐसे भी केसेस आते हैं जिसमें बच्चे को टर्मिनेशन या इस तरह का भी आप लोग एडवाइस करते जी हैं? टर्मिनेशन जनरली एडवाइस नहीं किया जाता है। टर्मिनेशन सिर्फ ऐसी बीमारी के लिए किया जाता है जहां पे बच्चे का जीवित रहना या अच्छी तरह से आगे चल के मतलब उसकी काम क्वालिटी ऑफ करना, लाइफ जब जी बच्चे क्वालिटी ऑफ का, लाइफ अगर अच्छा नहीं है तो ऐसी बीमारियों में टर्मिनेशन एडवाइस किया जो कि जा बहुत सकता है। रेयरली होता बहुत होगा ना रेयरली सर। होता है। कुछ बीमारियां होती हैं जैसे एनेनकेफेली है, एबर्ट सिंड्रोम है। सर, एनेनकेफेली एक जनरल आदमी के लिए, मतलब जिसमें बच्चे का सर जी डेवलप नहीं हो पाता है। एनेनकेफेली ये बहुत ही रेयर बीमारी है जिसमें ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होता है, तो ऐसे बच्चों को कोई भविष्य नहीं होता है। सर, तो कितनी जल्दी ये हम सोनोग्राफी पे देख पाते हैं इस तरह का सेकेंड मेजर प्रॉब्लम? ट्राइमेस्टर अल्ट्रासाउंड जो 14 से 18 सप्ताह के बीच में सप्ताह के करते बीच में हैं। करते हैं उसमें ज़्यादातर बीमारियों का पता चल जाता है। सर, अभी मूविंग ऑन की अगर मतलब मुझे ऐसे लगता है सर कि पीडियाटिक सर्जरी एक रियली सुपर स्पेशलिटी है, क्योंकि आप लोग एक तो बहुत छोटे बच्चों के साथ डील करते हैं जो अपनी प्रॉब्लम बता नहीं पाते, और दूसरे एक ये ग्रोइंग फिनोमिना है ना कि आप जो भी कर रहे हैं वो बच्चा ओवर द टाइम ग्रो हो जाएगा, तो आप जो भी करते हैं तो मुझे बहुत स्पेशली ऐसा लगता है कि बहुत ही विशेष सुपर स्पेशलिटी है। जनरल क्या बच्चे देखे जाते हैं सर आपकी प्रैक्टिस में, क्या किस तरह की परेशानियां लेके 1 साल से नीचे के किस तरह के बच्चे आते हैं आपके पास? देखिए 1 साल के नीचे तो ज़्यादातर जन्मजात बीमारियाँ होती हैं। अलग अलग जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं हमारे, जैसे किडनी का सिस्टम है, पेट का है, छाती का है, हर सिस्टम में बीमारियाँ होती हैं। और जिनसे जनरली पहले बच्चे अपने पीडियाट्रिशियंस के पास लेके जाते हैं पेरेंट्स, और वहाँ से डायग्नोस होकर पीडियाट्रिशियंस हमारे पास रेफर कर देते हैं। इन जनरल पेरेंट्स के लिए अगर मैं बताऊँ तो तीन चीज़ें हैं अगर आपके बच्चे में आपको दिखती हैं तो ये पॉसिबिलिटी है कि उसको सर्जिकल प्रॉब्लम है जिसके लिए आपको एक पीडियाट्रिक सर्जन के पास जाना चाहिए। वो तीन लक्षण है, दर्द होना, ब्लीडिंग किसी भी अंग से होना और स्वेलिंग आना। तो ये तीन अगर लक्षण दिखते स्वेलिंग हैं, मतलब सूजन सूजन आना कहीं पे किसी भी भी, शरीर के किसी भी अंग में अगर सूजन है, वहाँ से खून आ रहा है या वहाँ पे दर्द हो रहा है जोर से, तो ऐसे बच्चों को सर्जिकल प्रॉब्लम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, जहाँ पर आप डायरेक्टली पीडियाट्रिक सर्जन के पास भी जा सकते हैं। सर एक जनरल पीडियाट्रिक सर्जरी में आप लोग सारे अंगों का ऑपरेशन करते हैं, मतलब उसमें कुछ ऐसा है जो एक्सक्लूडेड रहता जी है? बिल्कुल। जैसे कार्डियक सर्जरी हो गई, ब्रेन ट्यूमर का सर्जरी हो गया, हड्डियों की बीमारियां कुछ होती हैं, तो जो एडवांस्ड सर्जरीज हैं इन सिस्टम्स की वो हम लोग नहीं करते हैं। वो उसके लिए अलग स्पेशलिस्ट होते हैं। इन जनरल कॉमन जो प्रॉब्लम्स होती है बच्चों की उनका इलाज हम करते हैं। जैसे मान लीजिए हर्निया हो गया या अपेंडिसाइटिस हो गया, तो ऐसे बच्चे हमारे पास आते हैं।